एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज कौन सी चल रही है 7.1, एक्सरसाइज 7.1, देखो जरा क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, 7। क्या करेंगे, ये क्या कह रहा है, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज मिड पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, बनाओ मेरे साथ साथ, ए बी एक लाइन सेगमेंट गिवन है, पी इसका मिड पॉइंट है, पी क्या है इसका मिड पॉइंट, ठीक है, ई पॉइंट, डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है, डायग्राम बुक में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। आओ बच्चों इधर जरा, हाँ देखो जरा, लाइन हमें ए बी गिवन है, ठीक है, एंड ई और ई पॉइंट है, एक कौन सा पॉइंट है ई, एंड एक पॉइंट क्या दिया हुआ है डी दिया हुआ है, क्लियर है सबको, एक ई पॉइंट गिवन है हमें, एक डी पॉइंट गिवन है, एंड क्या कहता है देखो जरा, D and E points are on the same side of line AB such that angle BAD, BAD, कौन सा एंगल बनेगा बच्चों, B देखो B है रहा, A यहाँ पर है और D ये पॉइंट है, BAD, ये कौन सा एंगल है BAD, this is BAD, ये एंगल BAD किसके इक्वल है, ABE के इक्वल है, ABE के इक्वल है, E को थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं और ताकि थोड़ा सिमेट्रिक नजर आए, A पॉइंट यहां पर है, B पॉइंट ये हो गया एंड E पॉइंट ये, ये दोनों एंगल क्या है बच्चों, वैसे तो आपको मिल ही गया होगा BAD एंगल, BAD को मैं 1 से डिनोट कर देता हूं, ठीक है, तो ताकि बताने में आसान रहेगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और ABE को मैं एंगल 2 से डिनोट कर देता हूं, ठीक है, और क्या गिवन है, एंगल EPA, EPA, EPA देख रहे हो बच्चों, एंगल इसको यहां से ज्वाइन करो, EPA, EPA ये वाला एंगल, यानी कि EPA एंगल ये वाला एंगल है, तो मैं इसको 3 से डिनोट कर देता हूं, EPA को मैंने किससे डिनोट कर दिया 3 से, DPB, DPB, DPB कौन सा एंगल बनेगा बच्चों, ये एंगल बनेगा, इसको मैं 4 से डिनोट कर देता हूं, ठीक है, ले ये 3, 1 और 2 इक्वल है, 1 और 2 एंगल इक्वल दिए हुए हैं, 3 और 4 इक्वल दिए हुए हैं, ये गिवन है, ठीक है बच्चों, ये हमें गिवन है, ओके, और आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या है ट्राइंगल डीएपी, ट्राइंगल डीएपी इज इक्वल टू, इज कॉन्ग्रुएंट टू, ट्राइंगल डीएपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ईबीपी, ट्राइंगल ईबीपी, और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है AD is equal to BE. Triangle DAP को चेक करो कहां पर है, बताओ triangle DAP कहां पर है, D point मिला आपको, D point यहां पर है, DA ये रहा और P ये point है, समझ आ गया आपको कौन से triangle को congruent prove करना है, किसके EBP, E कहां पर है ये, B कहां है ये, this. अगर दो अलग अलग कलर से मैं ट्राइंगल बनाऊं तो एक तो ट्राइंगल है बच्चों ये वाली, एक तो ये ट्राइंगल है और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, दूसरी ट्राइंगल ये वाली है जो मैंने बाद में बनाई है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। अच्छा एक बात बताओ, एक तो मैं इस बीच के एंगल को बच्चों एक्स अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, सभी बच्चे मुझे देख के बताओ, एंगल एपीडी, एंगल एपीडी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एपीडी को हम क्या लिख सकते हैं,
एंगल ए पी डी डी मिल गया सभी को, ए पी और डी क्या लिख सकते हैं इसको, एंगल थ्री प्लस एंगल एक्स। ठीक है, एक बात और बताओ, एंगल बी पी ई को क्या लिख सकते हैं, बी पी ई को एंगल बी पी ई को क्या लिख सकते हैं, बी पी ई ये पूरा एंगल है ना, क्या लिख सकते हैं, मैं इस पूरे एंगल की बात कर रहा हूं, ये एंगल वहां देखना है, मेरी तरफ नहीं देखना, एंगल फोर प्लस एक्स, यहां से यहां तक का पूरा एंगल क्या है, ये पार्ट फोर प्लस एक्स, एंगल फोर प्लस एक्स। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है, पूछना है कुछ बच्चों, हमें इन कौन कौन से दो ट्राइंगल्स को प्रूव करना है, इन ट्राइंगल बोलो कौन सी दो ट्राइंगल, ए पी डी, ए पी डी एंड दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, ई बी पी, ट्राइंगल ई बी पी, इनमें से क्या क्या है हमारे इक्वल, हमें इक्वल दिया हुआ है, एक बार बताओ, ये जो साइड है P दिया हुआ है ना, P मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में देखो P मिड पॉइंट दिया हुआ है, P अगर मिड पॉइंट है तो ये AP साइड और BP क्या इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, P अगर मिड पॉइंट है तो AP डिस्टेंस BP के इक्वल होगा, और ये AP किसी एक ट्राइंगल की साइड है, कौन से वाले ट्राइंगल, APD की साइड है ये, और ये BP किसकी साइड है, BP किसकी साइड है, BPE की, तो देखो यहां पर AP किसके इक्वल है, AP किसके इक्वल है, BP के इक्वल, कितने लोगों को यह समझ आया कि AP BP के इक्वल है, नहीं समझ आया, इसका कारण क्या है, कारण क्या है इसका, AP BP के इक्वल क्यों है, P is mid point, दिया हुआ हमें P is mid point, P mid point है। ओके, दो ट्राइंगल है हमारी, एक पिंक कलर वाली थी और एक दूसरी हल्का सा जो ब्राउन कलर है, ठीक है, इस कलर के जगह कलर ही कोई और ले लेते हैं, ये भी नहीं चलेगा, कौन सा कलर लें, सो एपी तो बीपी के इक्वल हो गया, अब देखो बच्चों पहले इस वाले ट्राइंगल को देखो, कौन से ट्राइंगल को, एपीडी को, एपीडी, एपीडी का एंगल वन, एपीडी ट्राइंगल का एंगल वन, बीपीई के किसके किस एंगल के इक्वल है, एंगल टू के इक्वल है, ठीक है, एंगल वन किसके इक्वल दिया हुआ है, एंगल टू के, अच्छा एक बात बताओ, एंगल ए पी डी किसके इक्वल है, ये है ना इस ट्राइंगल का एंगल, ए पी डी का ही ट्राइंगल है पूरा, एंगल ए पी डी, हमें बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ था एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, और एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर से हमने क्या निकाला, देखो थ्री किसके इक्वल है, फोर के इक्वल, एंगल थ्री किसके इक्वल है, एंगल फोर के इक्वल, दोनों साइड में x ऐड कर दूं, एंगल 3 प्लस x किसके इक्वल आएगा, एंगल 4 प्लस x के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, एंगल 3 प्लस x किसके इक्वल आएगा, 4 प्लस x के इक्वल आएगा, ठीक है समझ रहे हैं, 3 प्लस x 4 प्लस x के इक्वल है, करेक्ट, तो एक बात बताओ 3 प्लस एक्स का नाम क्या है, 3 प्लस एक्स का नाम बताओ, एंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी,
ये एंगल ए पी डी है, एंगल ए पी डी किसके इक्वल है? बी पी ई, एंगल बी पी ई के इक्वल है कि नहीं है? तो हम लिख सकते हैं ना, ए पी डी इज इक्वल टू बी पी ई रूड अबाउट, हमने यहां पर प्रूव किया है, रूड अबाउट। ये देखो क्या ये ए पी डी हमारी ट्रायंगल का एंगल है? ऑब्वियसली ट्रायंगल ए पी डी का ही तो एंगल है ये पूरा, ठीक है, और बी पी ई हमारी दूसरी ट्रायंगल का एंगल है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल्स में एक ट्रायंगल कौन सी है? ये वाली। एक ट्रायंगल कौन सी है? ये वाली। ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और ये साइड इस साइड के इक्वल, देख सकते हो। ये कौन सी है? ये है ई पी ए, और ये कौन सी है? सॉरी ये डी है, डी। ये है ई पी बी। समझ आया आपको? भाई एंगल वन और टू तो आपको इक्वल दिए हुए थे, और एंगल ए पी डी को हमने बी पी ई के इक्वल प्रूव किया है, और ये साइड क्योंकि पी मिड पॉइंट था इसलिए पहले से इक्वल थी। देख रहे हो दोनों ट्राइंगल्स में क्या 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 इक्वल है? नोटबुक पे बंद है, लिख क्यों नहीं रहा? ट्राइंगल ए पी ई ए पी डी किसके कॉन्ग्रेंट होगी? दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए पी डी किसके कॉन्ग्रेंट होगी? ट्राइंगल बी पी ई के कॉन्ग्रेंट होगी, ठीक है। बाय विच रूल? ए एस ए या ए एस ए रूल, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी? कॉन्ग्रेंट होंगी। पूछना है किसी को कुछ? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एट्थ क्वेश्चन पे आओ, सभी लोग एट्थ क्वेश्चन पे आओ। इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, देखो जरा राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हमें एबीसी, बनाओ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बनाओ। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गई भी एबीसी, ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल दिया हुआ, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। देख रहे हैं सभी, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी, ये कहां पर है? राइट एंगल है सी पे, राइट एंगल है, ये मैंने गलत लिख दिया, पॉइंट ठीक करो। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, सभी को दिखाई दे रही है ट्राइंगल, राइट एंगल है, ठीक है। समझ आया? साथ साथ लिखेंगे सभी, डायग्राम साथ साथ बनाएंगे फटाफट। राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी, एम इज मिड पॉइंट। एम क्या है भाई? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, एम इसका मिड पॉइंट है। एम क्या है? मिड पॉइंट, करेक्ट। मतलब ए एम किसके इक्वल है? बी एम के इक्वल है, क्यों? क्योंकि एम मिड पॉइंट है, एम इज मिड पॉइंट। समझ आया सबको? ए एम इज इक्वल टू बी एम, क्यों? क्योंकि एम मिड पॉइंट है, ठीक है। सी ज्वाइन टू एम, सी को किससे ज्वाइन कर दिया? सी को एम से ज्वाइन कर दिया, देख रहे हो? सी को किससे ज्वाइन किया? एम से। सी ज्वाइन टू एम एंड प्रोड्यूस टू डी, और इसको कहां तक प्रोड्यूस कर दिया? डी तक, इस पॉइंट तक। क्लियर है सबको? सी को एम से ज्वाइन किया, पहले सी को एम से ज्वाइन कर उसको आगे प्रोड्यूस कर दिया इस पॉइंट तक, डी पॉइंट तक। सच दैट डीएम इज इक्वल टू सी एम, डीएम किसके बराबर है? सी एम के। मतलब जितना डीएम डिस्टेंस है, पहले तो क्या था? ये इसके इक्वल था, अब डीएम भी सी एम के इक्वल है। डीएम इज इक्वल टू सी एम गिवन। यस क्या किसने उल्टी बना दिया? मैंने जो क्वेश्चन बोला वही बनाया, उल्टा कैसे ऐसे भाई? ऐसे ही है,
बी इधर है, सी इधर है, ए इधर है, डी इधर है, सब तो सही तो लिखा है मैंने। अच्छा ए और बी उल्टे बना दिए, ए और बी को चेंज करो भाई फिर से। यहां बी है और यहां क्या है, ए है, बस यही यही चेंज करना था। ओके तो ये बोलो ना कि सर ए और बी उल्टे लिखे हुए हैं, उल्टा बना दिया क्या? ए और बी उल्टे लिखे हुए हैं, जहां ए था वहां बी लिखा है, बी था वहां ए लिखा हुआ है, ठीक है? ओके उसके बाद क्या कहता है ये, देन शो दैट फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम बी। पहले पार्ट में हमने अच्छा इसको यहां से ज्वाइन कर दो, ट्राइंगल ए एम सी को देखो, ट्राइंगल ए एम सी कहां है, ट्राइंगल ए दिस पॉइंट इज ए, एम इज दिस पॉइंट एंड सी इज दिस पॉइंट। ट्राइंगल ए एम सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, बी एम डी के, बी एम डी के। ट्राइंगल ए एम सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, बी एम डी के कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। कैसे करोगे देखो जरा, हाँ एक मिनट रुको, इन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, ए एम सी, ए एम सी एंड दूसरी ट्राइंगल कौन सी है भाई, ए एम सी बी एम डी, बी एम डी इन दोनों ट्राइंगल्स में। बच्चों एक बात बताओ, ये ए एम साइड, ए एम साइड किसके इक्वल है, क्यों देखो ये रहा, ए एम साइड किसके इक्वल है, बी एम के। ए एम साइड किसके इक्वल है, बी एम के इक्वल है, क्यों गिवन है कि नहीं है, ठीक है? अच्छा बी एम, बी एम, ठीक है बी एम, एम करो इसको। उसके बाद देखो ये साइड तो हो गई इसके इक्वल, अब ये देखो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ट्राइंगल आप ये वाली ले रहे हैं ना, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, तो डीएम किसके इक्वल है, सीएम के इक्वल है, वैसे दिया हुआ है ये रहा। डीएम किसके इक्वल है, डीएम इज इक्वल टू सीएम, ये भी गिवन है। बच्चों इसको मैं कह देता हूं एंगल वन और इसको कह देता हूं एंगल टू, तो ये बताओ एंगल वन किसके इक्वल होगा, रीजन इसका वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है? नेक्स्ट बच्चों देखो जरा, तो ट्राइंगल क्या कौन सी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ट्राइंगल ए एम सी किसके कॉन्ग्रेंट हो गई, ट्राइंगल बी एम डी के। ट्राइंगल ए एम सी किसके कॉन्ग्रेंट हो गई, बी एम डी के, ठीक है? ठीक है अब सेकेंड उसमें आ जाओ क्या, हाँ बाई विच रूल हमने क्या किया, दो साइड और उनके बीच का एंगल, साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड रूल। और हमें क्या गिवन है बोलो, अब हमें क्या गिवन है, गिवन ही सॉरी सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है एंगल डी बी सी इज राइट एंगल। देखो बच्चों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गई, अच्छा ये बताओ ये है मान लो एंगल थ्री, ये है एंगल थ्री और ये है एंगल फोर, तो एंगल थ्री किसके इक्वल होगा, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, क्यों होगा कौन बता सकता है ना, हाँ तू बता एंगल थ्री फोर के इक्वल क्यों होगा, कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग वहां देखोगे तो कुछ समझ आएगा, मेरे से देख के क्या समझ आएगा, तू बता तुम बताओ एंगल थ्री फोर के इक्वल क्यों होगा, तो
एंगल 3 4 के इक्वल क्यों होगा? बट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होते हैं? या ये तो नहीं दिया कि ये लाइनें पैरेलल हैं। भाई ये वाली ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है, तो ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाय सीपीसीटी। ठीक है, ये जो साइड है ना डीएम, ये एम ए के इक्वल है, तो एम पे जो एंगल है वो तो एम वाले एंगल के इक्वल है, बी पे जो एंगल होगा वो ए के एंगल के इक्वल होगा। तो 3 इज इक्वल टू 4 बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सबको पता है इक्वल होते हैं, तो उसके बेसिस पे ट्राइंगल क्या होंगे, ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब एक बात बताओ, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और ये क्या है ट्रांसवर्सल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये 3 है, ये 4 है, देखो जरा ध्यान से, ये दोनों 3 और 4 कैसे एंगल हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, लेकिन ये कैसे हैं? इक्वल हैं। कैसे हैं? इक्वल हैं। मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे हो गए? इक्वल हो गए। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो लाइन क्या होती है? पैरेलल। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ एसी किसके पैरेलल होगी? बीडी के। AC is parallel to BD as angle 3 and 4 कैसे एंगल है? Alternate interior angle, interior angles कैसे एंगल है ये? Alternate interior angles है, और अगर alternate interior angle equal हो तो line parallel होती है। तो हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर हमने किए तो वो सीपीसीटी से इक्वल है, बट क्योंकि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और वो इक्वल हो चुके हैं, इसलिए लाइंस पैरेलल होंगी, क्योंकि ये रूल होता है कि लाइन पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, और उसका कन्वर्स भी ट्रू होता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, दिस इंप्लाइज, देखो जरा, समझे? अच्छा एक बात बताओ, अगर लाइन पैरेलल हैं तो को इंटीरियर एंगल भी तो इक्वल होते हैं, अगर लाइन पैरेलल हैं तो को इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं ना, सॉरी को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180। तो ये बताओ, दिस इंप्लाइज एंगल डीबीसी प्लस एंगल एसीबी इक्वल टू 180 होगा कि नहीं होगा? को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि जब लाइन पैरेलल होती है तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, लाइन पैरेलल होती है तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180। ठीक है, हमारी लाइंस पैरेलल हो चुकी हैं, बीडी एसी के पैरेलल हो चुकी है, ऊपर लिखा है ना, ये देखो ये लिखा एसी इज पैरेलल टू बीडी, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा, है ना। ये बताओ एसीबी की वैल्यू कितनी है, एंगल ए सी बी की वैल्यू कितनी है, कैसे गिवन है, गिवन था ये क्वेश्चन में, ए सी बी की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री, ये क्वेश्चन में गिवन था, तो ए सी बी की जगह 90 रख दें तो डी बी सी कितना आ गया, डी बी सी एंगल कितना आ जाएगा? 180 माइनस 90, क्योंकि ए सी बी की वैल्यू कितनी है? 90, यहां पर 90 रखा और राइट हैंड साइड में ले गए तो कितना आ गया? 90 आ गया। ठीक है, समझ आया? अच्छा जी, चलो आगे, दिस इंप्लाइज एंगल डीसीबी कितना आ गया? 90 आ गया। ये एंगल कितना हो गया? ये कंप्लीट एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। समझ आया? ठीक है, तो यही प्रूव करना था, एंगल डीसीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल डीसीबी क्या प्रूव करना था? 90 डिग्री, सेकंड पार्ट में यही प्रूव करना था, डीबीसी इज 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल, करेक्ट। चलो थर्ड पार्ट देखो, अब थर्ड पार्ट के लिए, हाँ ले बोलो, चलो भैया आ गया।
अगला क्वेश्चन क्या है भाई इसका नेक्स्ट पार्ट, एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी डायग्राम तो रखना पड़ेगा, थोड़ी जगह बनाते हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, एंगल डी सी बी, डी सी बी क्या प्रूव करना है इसको, सॉरी ट्राइंगल डी सी बी को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है थर्ड पार्ट में। ट्राइंगल डी सी बी देखो कहाँ है, डी सी बी यहाँ डी पॉइंट था, ये रहा डी, सी कहाँ है ये और बी, डी सी बी ट्राइंगल को देख रहे हो, ये बी पॉइंट है ना, ट्राइंगल डी सी बी मिल गई सभी को, और दूसरी ट्राइंगल क्या है ए सी बी, क्या सभी को डी सी बी और ए सी बी ट्राइंगल्स मिल चुकी हैं, मिल चुकी हैं। अच्छा जी, या बहुत कुछ एक्स्ट्रा हो गया, एक बार थोड़ा सा हटा दूं, देखो सबको डीसीबी और एसीबी ट्रायंगल दिखाई दे रही है, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, इधर ये 90 डिग्री है, अगर मैं अलग से बनाऊं इन दोनों ट्रायंगल्स को, देखो जरा ये कौन से ट्रायंगल है, डी डी बी सी, और अगर ऐसे बनाता हूं तो ये कौन से ट्रायंगल है, ए सी बी, सी पॉइंट दोनों में कॉमन है, सी पॉइंट दोनों में कॉमन है ना, बी दोनों का राइट एंगल है, बी सॉरी बी राइट एंगल है और सी राइट एंगल है, बी और सी राइट एंगल है। अच्छा एक बात बताओ, हमने थोड़ी देर पहले इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रेंट प्रूव किया था, है ना, तो उसके बेसिस पे क्या बी डी ए सी के इक्वल नहीं होगा इस ट्राइंगल के, देखो ये कौन से दो ट्राइंगल है, देखो ए एम सी और बी एम डी, ए एम सी ये वाली ट्राइंगल है और बी एम डी ये वाली ट्राइंगल है, ये इतना एम यहां पर है, ए एम सी और बी एम डी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो क्या ए सी बी डी के इक्वल नहीं होगा, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई विच रूल, बाई सी पी सी टी, क्योंकि हम ट्राइंगल्स को ऊपर कॉन्ग्रेंट प्रूव करके आ चुके हैं। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच, दोनों ही 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। एंड एक बात बताओ बच्चों, इसमें जो BC साइड है इसकी CB के इक्वल है, BC इज इक्वल टू CB, तो ये बताओ हमने BC इज इक्वल टू BC क्यों नहीं लिखा, CB क्यों लिखा, हाँ जो फर्स्ट ट्राइंगल में B के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, जो सॉरी फर्स्ट ट्राइंगल में जो B है वो 90 डिग्री है, सेकंड में C 90 डिग्री है, तो B के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन हुआ C, और C के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है B, तो BC इज इक्वल टू CB कॉमन कॉमन, ठीक है। अगर ऐसा है तो ट्राइंगल्स क्या हो गई, अगर ऐसा है तो ट्राइंगल्स क्या हो गई कॉन्ग्रेंट, देखो कौन से रूल से, दो साइड इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड कॉमन और बीच का एंगल इक्वल, सो बाय विच रूल ट्राइंगल कौन सी, BCD, ट्राइंगल BCD किसके कॉन्ग्रेंट है, B के कॉरेस्पॉन्डिंग है C, और C के कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल में B है, और D के कॉरेस्पॉन्डिंग A है, ट्राइंगल BCD किसके कॉन्ग्रेंट होगी, CBA, समझ गए, ट्राइंगल BCD किसके कॉन्ग्रेंट होगी, हाँ, और अगर आप इसको DCB लिखते, सॉरी आप इसको क्या लिखते, DCB, तो इधर क्या लिखना पड़ता, देखो D के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, A, A, C के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, C के कॉरेस्पॉन्डिंग B है, ठीक है, और क्या बचा, C के कॉरेस्पॉन्डिंग B है, राइट, बचा क्या, B के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, B के कॉरेस्पॉन्डिंग C है, तो ट्राइंगल DCB किसके कॉन्ग्रेंट होगी, ABC के, ए सी बी होना चाहिए, ट्राइंगल डी
अच्छा चलो कोई भी लिख दो, बुक वाला नाम लिखना चाहते हो, बुक वाला नाम लिखना चाहते हो तो हटा लो इसको। बुक में कौन सा लिखा हुआ है? ट्रायंगल डीबीसी लिखा है। डीबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू, तो फर्स्ट का डी दूसरे के किसके कॉन्ग्रेंट है? ए के कॉन्ग्रेंट है। ए फर्स्ट का बी दूसरे के किसके कॉन्ग्रेंट है? सी के कॉन्ग्रेंट है। फर्स्ट का सी दूसरे के बी के कॉन्ग्रेंट है, तो ट्रायंगल एसीबी हो जाएगी। समझ आया? अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई फोर्थ पार्ट के लिए। फोर्थ पार्ट के लिए देखो, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो क्या उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल नहीं होंगे? क्या ए सी बी सी के सॉरी ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा कि नहीं होगा? क्या ए बी सी डी के इक्वल होगा कि नहीं होगा? बाई सी पी सी टी, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। ठीक है, अच्छा ए बी इज इक्वल टू, ये एक बात बताओ, ये एम मिड पॉइंट था ना सी डी का? एम सी डी का क्या था? मिड पॉइंट। तो सी डी को 2 cm लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 2 cm। ए बी को 2 cm लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ जरा, बोलो, लिख सकते हैं? ए बी इज इक्वल टू 2 cm, ए बी 2 cm के इक्वल होगा। ए बी बोलो, तो सी एम की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 2 को उधर लेके जाओ, हाफ ऑफ ए बी। समझ आया? ठीक है, गिवन थोड़े है, प्रूव करना है। सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, लास्ट पार्ट को पढ़ो। समझ आया? ऐसे करना है।